स्टोरी विद अरुण सुन रहे आप तमाम श्रोता सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विद अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नोवेल सीरीज बदला, इसी नोवेल सीरीज की 38वीं एपिसोड के साथ। अगर इससे पहले आप लोग इस नोवेल सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसे लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नोवेल सीरीज बदला। सुनिए इसी सीरीज की 38वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। आंखें मूंदे ठाकुर साहब अपने ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे थे। चेयर के ऊपरी भाग पर उनका सिर टिका हुआ था और दोनों पैर सामने ऑफिशियल मेज पर थे। जीवन में पहली बार वे ऑफिस में इस तरह बैठे थे। दोनों हाथों की मुट्ठियों ने एक दूसरे को कस रखा था। कोहनियां कुर्सी के हाथों पर टिकी हुई थी। आंखों के कोरों पर दो नन्हे नन्हे मोती झिलमिला रहे थे। एकाएक किसी के ऑफिस में आने की आहट से वे चौंके, आंखें खोली, पुस्तका से सिर उठाकर सामने जो देखा तो माइक खड़ा था। एकदम सीधे होकर बैठते हुए वे बोले, आओ माइक बेटे बैठो। ठाकुर साहब की लाल सुर्ख और धुली हुई सी आंखों को देखता हुआ माइक उनके सामने मेज के इस तरह पड़ी कुर्सियों की पंक्ति में से एक पर बैठ गया। ठाकुर साहब की आंखें ही बता रही थी कि सबसे छुप छुप कर वे रोते रहे, जबकि वे इस तरह बोले मानो पूर्वतया सामान्य हो, तुम और यहां माइक बेटे कोई विशेष बात है क्या? माइक ने धीरे से कहा, जी हाँ बेटे। ठाकुर निर्भय सिंह की आवाज में असीम वेदना थी। क्यों परेशान हो रहे हो? वक्त खराब है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने उसे मार डाला जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार था। हम इस कुर्सी पर बैठे हैं फिर भी कुछ न कर सके। न जाने रैना बेटी कहाँ चली गई। अपनी पूरी चेष्टाओं के बावजूद भी राजनगर की कर्मठ कहलाई जाने वाली पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। तुम जाओ बेटे, अपने देश जाओ, तुम ही क्या कर सकोगे? मुझे तो उस वक्त तक अपना नाम भी याद नहीं आएगा अंकल, जब तक विकास के हत्यारे को चीर फाड़ कर उसकी खाल में अपने हाथों से भूस न भर दो। पागल, ठाकुर साहब की आवाज भर्रा गई, तुम सब पागल हो गए हो। माई को महसूस हुआ कि अगर इस विषय पर ज्यादा बातें हुई तो खुद भी रो पड़ेगा, अतः शीघ्रता से विषय बदल कर बोला, क्या आपने कुछ ही देर पहले लवलेन को फोन किया था? लवलेन? ठाकुर साहब चौंके, वहां फोन करने से क्या होगा? माई की आंखें संदेह से सुकट गई, बोला, इसका मतलब आपने फोन नहीं किया? नहीं तो, लेकिन क्या आपने फोन पर जेम्स बॉन्ड से कोई बात नहीं की? कैसी बातें कर रहे हो? ठाकुर साहब बोले, लवलेन में बॉन्ड का क्या मतलब? ओह, कहकर माइक ने उठना चाहा, परंतु ठाकुर साहब ने उसे रोक कर पूछा, लेकिन बात क्या है? अनायास ही माइक का चेहरा कनपटियों तक सुर्ख हो गया, आंखें धधकने लगी थी। ठाकुर साहब की पीछे वाली कुर्सी को पकड़ते हुए माइक ने कहा, यकीनी तौर पर अभी मैं ये नहीं बता सकता अंकल कि मुजरिम जेम्स बॉन्ड है, लेकिन इतना कहूंगा कि उसकी एक्टिविटीज संदेहजनक है। क्या मतलब? चेहरे से चेयर से लगभग उछल पड़े ठाकुर साहब,
जवाब में माइक उन्हें सब कुछ साफ साफ बताता चला गया। रस्सी पर झूल रहा था जेम्स बॉन्ड। सर्वत्र अंधकार एवं सन्नाटा व्याप्त था। बॉन्ड की उंगलियों में शीशा काटने वाला एक हीरा था। विकास के कमरे की खिड़की का कांच वो इतनी सफाई से काट रहा था कि सन्नाटे को पता तक नहीं चल रहा था। रस्सी का ऊपरी सिरा छत में बंधा हुआ था और निचला सिरा जमीन तक चला गया था। शीशा काटने के बाद उसने शीशे का टुकड़ा संभालकर खिड़की सीट के ऊपर रख दिया। दायां हाथ कटे हुए भाग से धीरे से अंदर डाला और आहिस्ता से चटकनी खोल ली। खिड़की खोलकर वो बिल्ली के समान दबे पांव कमरे के फर्श पर कूद पड़ा। जेब से एक पेंसिल टॉर्च निकालकर उसने रोशन कर ली थी। उसका नन्हा सा प्रकाश दायरा कमरे के फर्श दीवारों और मातम सा मना रहे पर्दों के ऊपर से फिसलता हुआ बेड पर बिछी बेड सीट पर नृत्य करने लगा। अभी वो बेड के समीप पहुंचा ही था कि झनाक से एक शक्तिशाली टॉर्च रोशन हुई। बॉन्ड का चेहरा तीव्र प्रकाश से नहा उठा। आंखें बुरी तरह चौंधी आ गई। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि ठाकुर साहब की आवाज, यहां क्या कर रहे थे बॉन्ड? सुनते ही बिजली किसी गति से घूमकर जेम्स बॉन्ड खिड़की पर झपटा, परंतु खिड़की के समीप पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक जोरदार घूसा पड़ा। जेम्स बॉन्ड उछला और हवा में झन्नाता हुआ अंधेरे में दूर जा गिरा। अभी बॉन्ड उठने की चेष्टा कर ही रहा था कि कट स्विच ऑन होने की हल्की सी आवाज के साथ ही सारा कमरा प्रकाश से नहा उठा। पहले तो बॉन्ड की आंखें बुरी तरह चौंधी आ गई और जब इस तीव्र प्रकाश में देखने लायक हुई तो ये देखते ही वो उछल कर खड़ा हो गया कि खिड़की के समीप रघुनाथ खड़ा था। स्विच के पास माइक और हाथों में शक्तिशाली टॉर्च लिए दरवाजे के समीप ठाकुर साहब खड़े थे। तीनों के चेहरे भभक रहे थे और आंखों में खून तैर रहा था। जेम्स बॉन्ड का दिमाग झन्ना कर आ गया। ठाकुर साहब और रघुनाथ के साथ कमरे में माइक की मौजूदगी ने सब कुछ अस्पष्ट कर दिया। वो समझ गया कि वो माइक के संदेह के कारण फंस गया है। माइक ने बॉन्ड की ओर बढ़ना चाहा तो ठाकुर साहब चीख पड़े, ठहरो माइक बेटे। माइक ठिठक गया। ये मेरा शिकार है, ठाकुर साहब गुर्रा उठे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे शहीद का हत्यारा हमारे साथ मातम मनाने का ढोंग भी कर सकता है। बॉन्ड के दिमाग में धमाका सा होगा। ये समझने में उसे तनिक भी देर न लगी कि इन लोगों के सामने उसकी स्थिति क्या हो गई है। ये विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गया कि ऐसे स्थिति में अगर वो किसी को देख लेता तो निसंदेह उसे विकास का हत्यारा ही समझता। उतनी ही तेजी से जेम्स बॉन्ड के दिमाग में ये विचार भी कौंध गया था कि अगर उसने अपनी स्थिति अस्पष्ट नहीं की तो बहुत जल्दी वो बेहद कठिन परिस्थितियों में फंसने वाला है। वो फुर्ती से उठा, अपनी तरफ बढ़ते हुए ठाकुर साहब से बोला, रुकिए ठाकुर साहब, मामला वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो क्या मामला है फिर? ठिठक कर ठाकुर साहब जहरीले स्वर में फुफकार उठे। यहां चोरों के समान सबसे छुपकर रात के इस वक्त क्या कर रहे थे तुम? मैं जेम्स बॉन्ड गड़बड़ा गया। ये कहता कहता बॉन्ड रुक गया कि यहां वो डायरी लेने आया था। उसे विकास के शब्द याद आ गए। बोलो, क्या करने आए थे तुम यहां? इस उम्मीद से कि शायद विकास के कमरे से कोई ऐसा सबूत बरामद हो जाए जिससे विकास के हथियारों का कोई सुराग मिल सके। ओह, तुम्हें तो नहीं, लेकिन हमें तो हथियारा ही मिल गया है। नहीं, जेम्स बॉन्ड चीख पड़ा, यह गलत है, एकदम बेबुनियाद है। मैं हथियारा नहीं हूं।
उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठाकुर साहब के बूट की ठोकर बॉन्ड की पसलियों में इतनी जोर से पड़ी कि अपने मुंह से चीख निकालता हुआ बॉन्ड माइक के समीप मुंह के बल फर्श पर गिरा। झुककर माइक ने उसका गिरेबान पकड़ा, जबरदस्ती उसे ऊपर उठाता हुआ दांतों पर दांत जमाकर गुर्राया, ये तो मैं जानता था कुत्ते कि तू विकास का दुश्मन है। विकास का दुश्मन तो मैं भी था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तू इतना नीच कमीना और जलील भी है। कहने के साथ ही जो माइक ने उसके चेहरे पर अपने सर की टक्कर मारी तो खून से लहूलुहान हो गया बॉन्ड का चेहरा। बॉन्ड कह रहा था, तुम गलत समझ रहे हो माइक भाई, तुम। माइक के एक और घूसे ने न सिर्फ उसके आगे के शब्दों को चीख में बदल दिया बल्कि हवा में उछलकर रघुनाथ तक पहुंचा दिया। रघुनाथ ने उसके बाल पकड़े और गुर्राया, अरे ऐसा ही बहादुर था तो सामने से वार करता सिर पर, हरामजादे मेरे बेटे को, मेरे बेटे की भावुकता का लाभ उठाकर उसे। रघुनाथ का घुटना इतनी जोर से उसकी टांगों के बीच में लगा था कि दर्द से चीखता हुआ जेम्स बॉन्ड फर्श पर चकराने लगा। उसे संभालने का अवसर दिए बिना ठाकुर साहब ने पकड़ा, जबरदस्त घृणात्मक स्वर में उन्होंने पूछा, बोल लवलेन होटल से फोन पर किससे बात की थी तू, क्या कहे, क्या जवाब दे जेम्स बॉन्ड। विकास ने तो उसे खुद ही कहा था कि उन दोनों के बीच हुई बातों का जिक्र वो किसी से ना करे, फिर ऐसे हालात में जेम्स बॉन्ड क्या जवाब दे सकता था। वे तीनों तो पागल हो गए थे, दीवाने वो वैसी हो गए थे। बॉन्ड ने महसूस कर लिया था कि बिना इनका विरोध किए अब काम नहीं चलेगा, ये लोग उसे हत्यारा समझ बैठे हैं और किसी भी तरह फिलहाल वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेगा, और अगर उसने विरोध नहीं किया तो ये तीनों ही नहीं वे सभी उसे जान से मार डालेंगे जो विजय की कोठी पर मौजूद है। यही सोचकर इस बार जैसे ही माइक ने उसे पकड़ा, माइक के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा उसने कि माइक चीख पड़ा। उसी क्षण रघुनाथ ने बॉन्ड पर झपटना चाहा, ठहरो, ठाकुर साहब चीख तो पड़े, वो अपनी हकीकत पर उतर आया, आखिरकार अपने हकीकत पर उतर आए हो हरामजादा, सब हट जाओ, कोई बीच में ना आए, इसे मैं सजा दूंगा। कहने के साथ ही ठाकुर साहब बॉन्ड पर झपट पड़े बॉन्ड ने इस बार हमले का जवाब हमले से दिया। उसने ठोकर मारने के प्रयास में घुमाई गई ठाकुर साहब की टांग पकड़ी और एक तेज झटका दिया। ठाकुर साहब मुंह के बल फर्श पर गिरे। बॉन्ड ने खिड़की की ओर जंप लगानी चाहिए कि तभी ठाकुर साहब ने झपट कर उसकी टांग पकड़ ली। जेम्स बॉन्ड धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिरा। जंप लगाकर ठाकुर साहब ने उसे दबोच लिया। फिर ठाकुर साहब ने अपने दोनों हाथों से बॉन्ड को ऊपर उठा लिया था, सिर से ऊपर अधर वे रामी के साथ उन्होंने बॉन्ड को फर्श पर दे मारा। तभी कमरे में एक गुर्राहट सी गूंजी, ठहरो, एक साथ चारों चौंक पड़े। जिस खिड़की से बॉन्ड आया था उसी के जरिए एक और शख्स कमरे के फर्श पर कूदा था। वो लंबा था, विकास के बराबर लंबा, जिसमें काले लबादे और चेहरा उसी रंग की नकाब से ढका हुआ था। नकाब के अंदर से दो लाल आंखें झांक रही थी। उसके हाथों में गन थी और ठाकुर साहब, रघुनाथ और माइक उसके निशाने पर थे। हथप्रभ से खड़े वे उसे देख ही रहे थे कि वो गुर्राया, बॉन्ड को छोड़ दो, कौन हो तू, माइक गरजा, चीखो मत माइक,
वरना भेजा उड़ा दूंगा। सर्द लहजा, तीनों एक लाइन में खड़े हो जाओ। फर्श पर पड़ा जेम्स बॉन्ड खुद उसे हैरत के साथ देख रहा था। हमें गन से डराता है? जख्मी चीते से समान ठाकुर साहब बोल रहा है। यहां तू अपने बाप को बचाने आया था, लेकिन खुद भी बचकर नहीं जा सकेगा। अपनी फिक्र करो ठाकुर। और उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। इतने पागल हो गए थे ठाकुर साहब कि गन की लेस मात्र भी तो परवाह नहीं की उन्होंने। गोरीले के समान उन्होंने नकाबपोश पर जंप लगाई, लेकिन तभी धाए गन गरज उठी। पल भर के लिए गन के मुंह पर आग चमकी और दहकता हुआ सोला ठाकुर साहब के जिस्म में घुस गया। ठाकुर साहब तो एक चीख के साथ त्योरा का फर्श पर गिरे, लेकिन चीखता हुआ रघुनाथ नकाबपोश पर झपट पड़ा। परंतु तभी धाए एक और फायर। इस बार गोली सुपर रघुनाथ की जांग में धस गई। माइक ने मूर्खता नहीं की जो उन दोनों ने की थी। सामने से अंदाज में उस दृश्य को देख रहा था जो न केवल उसकी कल्पना से परे था, बल्कि जिसने उसके रोए भी खड़े कर दिए थे। खुद जेम्स बॉन्ड भी हैरत अंगेज नजरों से उस नकाबपोश को देख रहा था। मौजूद परिस्थितियों में उसका दिमाग कुंद सा होकर आ गया था। बॉन्ड निश्चय नहीं कर पा रहा था, क्यों क्या करे, जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है या गलत। कुछ भी न समझ पाने की स्थिति से कृतव्य विमूढ़ सा बॉन्ड उस लंबे नकाबपोश को देख रहा था, जिसकी लंबाई उससे कह रही थी क्यों विकास के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। ठाकुर साहब और रघुनाथ फर्श पर पड़े करा रहे थे। बॉन्ड, नकाबपोश ने उसका नाम लेकर चौंकाया। गद्दे के नीचे से डायरी निकाल लो। जेम्स बॉन्ड जैसे व्यक्ति की बुद्धि भी इस अनोखे घटनाक्रम में कुछ इस तरह ठस सी हो गई थी। कोई ये न समझ सका कि सब हो क्या रहा है। यंत्रवत सा ओ बेड की ओर बढ़ा, डल्लब का एक गद्दा उठाकर जब उसने दूसरी तरफ फेंका तो पलाई पर रखी उसे एक कत्थई कलर के कवर वाली डायरी नजर आई। उसने डायरी उठाई और अपनी जेब में ठूस ली। अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा माइक सब कुछ देख रहा था। चलो बॉन्ड, नकाबपोश ने कहा, अब एक पल भी तुम्हारा यहां ठहरना ठीक नहीं है। कम से कम ये बात बॉन्ड भी अच्छी तरह समझ चुका था कि अब यहां ठहरना उसके लिए खतरे से खाली नहीं। वो खिड़की की ओर बढ़ा, रस्सी पर झूला और बजाय ऊपर चढ़ने के नीचे उतरने लगा। चलो, नकाबपोश ने माइक को आदेश दिया, तुम बाथरूम में चलो। माइक भी व्यस्त था, उसे बाथरूम में बंद करके नकाबपोश भी खिड़की के समीप लटकी रस्सी पर उतरता चला गया। जमीन पर कदम रखते ही समीप खड़े बॉन्ड ने कहा, तुमने ठाकुर साहब और रघुनाथ को गोली मार दी विकास। वे दोनों अंधेरे में खड़े थे, इसलिए एक दूसरे को सहायक रूप में देख सकते थे। जेम्स बॉन्ड के साये को घूरते हुए नकाबपोश ने कहा, यहां से चलो। अब तुम आवाज बदल कर क्यों बोल रहे हो, बॉन्ड ने पूछा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बॉन्ड बेटे, कहने के साथ नकाबपोश ने घुमाकर गन का वट जो बॉन्ड की कनपट्टी पर मारा तो एक जबरदस्त चीख के साथ अंधेरे में तैरता हुआ बॉन्ड दूर जा गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर उठ नहीं सका। वातावरण में अंधकार था, उसे भी गहराई अंधेरा जेम्स बॉन्ड की आंखों के सामने छा गया। नकाबपोश ने आगे बढ़कर उसे उठाया, कंधे पर डाला और दाई मुट्ठी में बीचोबीच से कसे हुई गन को संभाले लंबे लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ गया। होश आने पर जेम्स बॉन्ड ने खुद को एक खंडहर में पाया। एक ऐसी इमारत का खंडहर था जो कभी पूरी हवेली रही होगी। उसी की कूड़ा करकट युक्त धरती पर पड़ा था वो। होश में आते ही उसने अपनी कनपट्टी पर दर्द की एक तेज लहर
दौड़ती हुई महसूस की। कारण याद आया तो गन का बट याद आ गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उस पर वो वार करेगा, वो जो उसे बचाया था। बॉन्ड ने तो उसे विकास समझा था, मगर बट मारते वक्त उसने कहा था कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो फिर कौन था वो? सारे दृश्य इस तरह जेम्स बॉन्ड की आंखों के सामने चकरा उठे, मानो उसने कोई फिल्म देखी हो। अनायास ही उसका हाथ अपनी जेब की तरफ चला गया, उस जेब की तरफ जिसमें उसने डायरी रखी थी। वो डायरी अब गायब थी। एक झटके के साथ बॉन्ड उठकर बैठ गया। मस्तिष्क में विद्युत गति से विचारों का आवागमन होने लगा। वो कौन था? क्या विकास? नहीं, वो विकास होता तो उस पर वार न करता। रघुनाथ और ठाकुर साहब को इससे इस बेदर्दी के साथ गोली ना मारता। फिर वो कौन था? विकास के समान लंबा वो डायरी भी ले गया। एक बार बॉन्ड ने उसे विकास कहकर पुकारा भी था। इसका मतलब ये कि कम से कम एक आदमी और इस रहस्य को जान चुका है कि विकास जिंदा है। ये भी ज्ञात नहीं कि वो आदमी कौन है। न जाने उस डायरी में क्या था, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि डायरी के कारण विकास की कोई योजना नाकाम हो जाए। रात तो हर दृष्टिकोण से बुरी तरह हार गया था। विचारों की अधिकता के कारण उसका सिर फटने लगा। अपने मस्तिष्क के गुडमुड विचार में से अभी वो किसी का सिरा पकड़ भी नहीं पाया था कि वो अंगूठी एस्पार करने लगी जो उसने बाएं हाथ की तर्जनी में पहन रखी थी। बॉन्ड ने जल्दी से उस नन्हे से ट्रांसमीटर को ऑन किया और बोला, हेलो 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 बॉन्ड, हेलो। उसने चीफ एम की आवाज सुनी। जेम्स बॉन्ड ने कहा, यस सर, बॉन्ड हियर। ये क्या मामला है बॉन्ड? एम ने कहा, हम क्या सुन रहे हैं? क्या बात है, क्या सुना है आपने? एम के चौंकने का स्वर, क्या मतलब? उल्टे तुम ही हमसे पूछ रहे हो। हम पिछले एक घंटे से तुमसे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी अंगूठी कहाँ डाल दी थी तुमने? मेरी ही पास थी सर, लेकिन क्या, मैं बेहोश था, अभी होश में आया हूं। क्यों? एम ने पूछा, क्यों बेहोश थे तुम? लंबी कहानी है चीफ, बॉन्ड ने कहा, ट्रांसमीटर पर नहीं सुने तो बेहतर है। हाँ, आप कह रहे थे कि मेरे बारे आपने कुछ सुना है, क्या सुना है मेरे बारे में? गुड, एम ने अजीब से स्वर में कहा, जिसका नाम सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, उसे खुद पता नहीं है। ऐसे बेहोश हुए तुम कि अपने ऊपर मंडराते खतरे से भी ना खबर हो। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। सारी दुनिया में ये खबर उड़ चुकी है कि विकास की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। उछल पड़ा जेम्स बॉन्ड, क्या? सबसे पहले भारतीय रेडियो ने ये खबर प्रसारित की, एम ने बताया। उसके बाद सारी दुनिया के रेडियो पर यही एक बात चीखी चिल्लाई जा रही है। हमने खंडन किया तो दुनिया के ज्यादातर देश इंग्लैंड की ओर मुंह करके उपहासजनक तरीके से हंस रहे हैं। ओह, बॉन्ड के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं उभर आई। ओह क्या, एम गुस्से में था। हम पूछते हैं कि हमें क्या बकवास सुनने को मिली? तुम तो विकास की मृत्यु के बाद लंदन से समाचार सुनकर वहां गए थे। जी हाँ, फिर ये सब क्या बकवास है? एक गलत फहमी के कारण ऐसा समझा जा रहा है चीफ, एम चीख पड़ा। कैसे हो गई ये गलत फहमी? बताने के लिए जेम्स बॉन्ड ने मुंह खोला, किंतु फिर विकास की बात ध्यान में आते ही वो रुक गया। बात बदल कर बोला, लंबी कहानी है चीफ, ट्रांसमीटर पर नहीं बताई जा सकेगी, मिलने पर बताऊंगा। क्या खाक बताओगे? पहले कभी जेम्स बॉन्ड ने एम को इतने गुस्से में महसूस नहीं किया था।
वे अभी जासूस जो विकास की मौत पर वहां पहुंचे थे। हमें सूचना मिली है कि पूरे राजनगर में तुम्हें भूखे भेड़ियों के समान ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी शक्ल देखते ही वे तुम्हारा खून पी जाएंगे। हम पूछते हैं उस डायरी में क्या था जिसे विकास के यहां से ले जाने का तुम पर आरोप है। वो नकाबपोश कौन था जिसने तुम्हारी मदद की और तुम्हें बचाने के लिए जिसने विकास और विजय के पिता को गोलियां मारी। उफ, बॉन्ड का दिमाग झन्ना गया। उसने सोचा तो इस कहानी ने ये रूप ले लिया है। बोला, सब कुछ बताऊंगा चीफ। तुम कुछ नहीं बताओगे चीफ, एम ने गुर्रा कर उसकी बात काट दी। हम और ज्यादा बकवास नहीं सुन सकते। विकास की मौत का समाचार सुनकर जब तुम लंदन से भारत चले थे, हमने उस वक्त भी तुमसे मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। कहने लगे कि कुछ भी हो सही, देश के विचार न मिलने के कारण हम दुश्मन सही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम एक अच्छे दोस्त हैं। देख लिया दोस्ती का नतीजा। वहां अपने दोस्त की मौत का मातम मनाने गए थे तुम। हम तो ये भी जानते हैं कि उसकी लाश के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने वाले में तुम भी थे। हुआ क्या, खुद पर ही उस दोस्त की हत्या का कलंक लगा बैठे। मैंने कसम खाई है चीफ, हत्यारों से बदला लेकर रहूंगा। बकवास नहीं, आप आखिर चाहते क्या है? एम ने आदेश दिया, जैसे भी हो फौरन लंदन लौट आओ। हरगिज नहीं चीफ, हरगिज नहीं। बॉन्ड के जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया। क्या मतलब? एम चौंका, आदेश की अवहेलना कर रहे हो तो? कठोर स्वर में कह उठा, आपका आदेश ही गलत है। कठोर स्वर में कह उठा डबल ओ सेवन, आपका आदेश ही गलत है। जो भी है तुम्हें मानना होगा। बॉन्ड ने पूछ लिया, अगर मैं इस आदेश का कारण जानना चाहूं तो? कारण यह है विद्रोही एजेंट मिस्टर 007। मिस्टर एम ने दांत भींच लिए थे शायद, कि इंग्लैंड तुम जैसे महान जासूस को खोना नहीं चाहता। क्यों आपको इस हद तक डर कैसे हो गया? दुनिया भर के जासूस राजनगर में तुम्हें सुन चुका हूं चीफ, पहले भी सुन चुका हूं। आपसे बाहर होकर मिस्टर एम की बात काट दी 007 ने। बात काट दी और शर्मिंदा हूं इस बात पर कि मेरे चीफ की आज तक ये भी यकीन नहीं हो पाया कि जेम्स बॉन्ड न तो डरने वाली उस हस्ती का नाम है और नहीं उस रसगुल्ले का जिसे जीभ पर रखते ही दुनिया का जासूस हाजम कर जाए। डरो मत चीफ, वादा करता हूँ कि मरूंगा नहीं। ये भी वादा करता हूँ कि फिर आपके सामने उसी कुर्सी पर बैठूंगा जिस पर 007 लिखा है। लेकिन तब जब अपने माथे पर लगे इस कलंक को धो डालूं, तब जब अपने यार के एक एक हत्यारे से बदला ले लूंगा, उससे पहले जेम्स बॉन्ड की शक्ल नहीं देखेंगे आप। कहने के साथ ही उसने बिना मिस्टर एम की आवाज सुने संबंध विच्छेद कर दिया। लोहा गलाने की भट्टी के समान उसका चेहरा तप रहा था और यह सच था, सारे राजनगर में बॉन्ड को इस तरह तलाश किया जा रहा था मानो भूस के ढेर से सुई तलाश करने की चेष्टा की जा रही हो। गोलियां ठाकुर साहब और रघुनाथ की टांगों में लगी थी, वे अस्पताल में एडमिट थे। सारी वारदात माइक ने सबको बता दी थी। सुनने के बाद भला किसी यकीन न होता। ये बात किसी के दिमाग में आई तक नहीं कि इस घटना के पीछे कोई गलत फहमी भी हो सकती है। दिन के 10 बज चुके थे। सुबह 4 बजे से अब तक की निरंतर कोशिश के बाद भी जेम्स बॉन्ड का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा था। ये आशा का फ्लैट था जहां इस वक्त आशा के साथ अशरफ, विक्रम, नाहर और परवेज जैसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट मौजूद थे।
वे पांचों आशा के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अशरफ कह रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो गायब होता है, पता नहीं उसे धरती निकल जाती है या आसमान खा जाता है। पहले रैना भाभी गायब हुई, फिर जेम्स बॉन्ड, आशा बोल उठी। सच्चाई तो ये है कि जेम्स बॉन्ड के इस रूप के बारे में हमें बहुत पहले ही शक हो जाना चाहिए था, विक्रम ने कहा। बॉन्ड हमेशा से विकास का दुश्मन रहा, खून का प्यासा था। कई अभियानों में उसने विकास को खत्म करने के लिए न केवल षड्यंत्र रचे बल्कि उन्हें कार्यान्वित भी किया। परवेज का उठा, मैं खुद भी यही सोच रहा था। जब वो इतनी बार कोशिश कर चुका है तो इस बार विकास का हत्यारा क्यों नहीं हो सकता। मातम मनाने वालों में शामिल होकर उसने खुद को सभी के संदेह की दृष्टि से दूर रखने का अच्छा नाटक किया। अब सवाल ये नहीं रहा कि वो हत्यारा है या नहीं, नहार ने कहा। यह तो साबित हो चुका है कि वो हत्यारा है। अब तो समस्या ये है कि वो है कहां, उसे तलाश कैसे किया जाए। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद अशरफ ने कहा, यह तो हम सभी समझ चुके हैं कि इस हत्या के पीछे अकेला जेम्स बॉन्ड नहीं है, उसके साथ पूरा दल न सही लेकिन कुछ लोग तो अवश्य ही हैं। एक नकापोस बचाकर ले गया था उसे, वो नकापोस कौन हो सकता है, सन्नाटा सा खींच गया। फिर आशा बोली, हमें नुसरत और तुगलक पर दृष्टि जरूर रखना चाहिए। क्या मतलब, एक साथ सभी चौंक पड़े। देखा जाए तो वे विकास के बॉन्ड से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन रहे, आशा ने एक संभावना व्यक्त की। जेम्स बॉन्ड द्वारा रचे गए जितने भी षड्यंत्रों की जानकारी मुझे है, उन सभी में नुसरत और तुगलक जरूर शामिल रहे हैं। शामिल ही नहीं बल्कि अगर गहराई तक देखा जाए तो ये षड्यंत्र के उत्पादक रहे हैं। हम में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि पाकिस्तान के ये जोकर से नजर आने वाले जासूस दरअसल बॉन्ड और अमेरिका के हैरी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम कहना क्या चाहती हो, चीनी, अमेरिकी, ब्रिटेनी और पाकिस्तानी जासूसों का गुट हमेशा विकास का दुश्मन रहा है, आशा ने कहा। वैसे भी विकास मुख्य रूप से इन्हीं चार राष्ट्रों की आंखों का किरकिरी बनकर घूमता था। ये जोकर जैसे जासूस इतने खतरनाक है कि सारा षड्यंत्र ये रस्ते थे लेकिन योजना को कार्यान्वित करते समय अक्सर अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के जासूसों को आगे कर देते थे। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इस बार भी वे बॉन्ड के साथ है, क्यों नहीं हो सकते, अशरफ बोला। इसका मतलब तो ये हुआ कि माइक भी तुम्हारे संदेह की लिस्ट में है। उसके बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि बॉन्ड का जो रूप फूल कर सामने आया है, सबसे पहले उसे माइक नहीं जाना था। अगर वो उनके साथ होता तो ये ना करता। लेकिन इस बार अमेरिकी जासूस अलग कैसे हो सकता है, विक्रम बोला। हो सकता है, अशरफ का उठा। दरअसल ये हो सकता है कि इस बार बॉन्ड, नुसरत और तुगलक ने उसे साथ ही ना लिया, इसलिए ना लिया हो कि माना माइक विकास का दुश्मन है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो विजय का बहुत पुराना दोस्त भी है। किसी अभियान के अंतर्गत विकास को जान से मारने की कोशिश करना दूसरी बात है, परंतु स्पेशली इसी बात को अभियान बनाना दूसरी बात है कि विकास की हत्या करनी है। मुमकिन है कि बॉन्ड ने इस षड्यंत्र की भनक उसे इसलिए न लगने दी हो कि कहीं वो ये सूचना विजय तक ना पहुंचा दे, नहार ने कहा। बात में दम है, इसका मतलब इस बात पर सहमत है कि नुसरत और तुगलक बॉन्ड से मिले हुए हो सकते हैं, बेशक, एक साथ चारों ने कहा। लेकिन इस बार अमेरिकी जासूस अलग कैसे हो सकता है,
विक्रम बोला, हो सकता है अशरफ को उठा। दरअसल ये हो सकता है कि इस बार बॉन्ड, नुसरत और तुगलक ने उसे साथ ही ना लिया हो, इसलिए ना लिया हो कि माना माइक विकास का दुश्मन है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो विजय का बहुत पुराना दोस्त भी है। किसी अभियान के अंतर्गत विकास को जान से मारने की कोशिश करना दूसरी बात है, परंतु स्पेशली इसी बात को अभियान बनाना दूसरी बात है कि विकास की हत्या करनी है। मुमकिन है कि बॉन्ड ने इस षड्यंत्र की भनक उसे इसलिए ना लगने दी हो कि कहीं वो ये सूचना विजय तक ना पहुंचा दे। नाहर ने कहा, बात में दम है, इसका मतलब इस बात पर सहमत है कि नुसरत और तुलक बॉन्ड से मिले हुए हो सकते हैं। बेशक, एक साथ चारों ने कहा। तो इसका मतलब ये कि हम सबको इन जोकरों की तगड़ी निगरानी करनी चाहिए, विक्रम ने कहा, शायद इसे बॉन्ड का पता लग सके। ओके, कहने के बाद अशरफ आगे अभी कुछ कहना ही चाहता था कि फोन की घंटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। रिसीवर आगे बढ़कर आशा ने उठाया। तभी दूसरी तरफ से सीक्रेट सर्विस के चीफ पवन की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। क्यों आशा, मीटिंग हो रही है? जी, आशा का हलक सूख सा गया। क्या आदेश है? जब तक हमारी इजाजत ना हो तब तक तुम में से कोई भी विजय से कुछ बात नहीं करेगा। इस अजीब से आदेश के बारे में सोचते हुए आशा ने कहा, जी, ना तुम लोग अपने प्लान के बारे में उससे कोई बात करोगे और न ही ये जानने की चेष्टा करोगे कि वो क्या कर रहा है। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। आशा ने धीरे से रिसीवर क्रेडिल पर रखा। अभी वो रुमाल से अपने चेहरे पर उभर आने वाले पसीना को पोंछ ही रही थी कि अशरफ ने पूछा, चीफ का फोन था? आशा ने हां में गर्दन हिलाई। हम लोगों के लिए क्या आदेश है? नाहर ने पूछा। आशा ने बताया तो सभी के चेहरे पर हैरत के चिन्ह उभर आए। उलझी हुई सी आवाज में अशरफ बड़बड़ाया, बड़ा अजीब सा आदेश है, ऐसी क्या विशेष बात है कि हम विजय से बात ही नहीं कर सकते? नाहर बोला, हमें नहीं सोचना है कि किस आदेश का कारण क्या है। आशा बोली, हमारा काम सिर्फ उन आदेशों का पालन करना है जो हमें चीफ से मिले। अजीब परंपरागत लिबास था उनका, दोनों हमेशा एक तरह के लिबासों में रहते थे। वे बेहद पतले थे और यही कारण था कि उनकी लंबाई, जो दरअसल 6 फुट थी, पतले होने के कारण ज्यादा लगती थी। वे काम से जासूस भली हूँ परंतु हुलिये से छटे हुए सायर लगते थे। उनका परंपरागत लिबास था कलफ, टीनोपाल और नील के जरिए धुले वेल प्रेस सफ़ेद चूड़ीदार पजामे, पैरों में वे जूतियाँ जिन पर नकली नाम काम के सितारे झिलमिलाया करते थे। जूती बेहद नुकीली हुआ करती थी और जब वे चलते थे तो चर चर बोलना उनकी आदत थी। सफ़ेद चूड़ीदार पजामे पर बंद गले का काला कोट, घुटनों तक लंबा, गर्दन तक के उसके सभी बटन हमेशा बंद रहते थे। पतले शरीर कोट में लिपटे हुए बड़े विचित्र लगते थे। सिर पर काली टोपिया होती थी जो सिर के दाएं हिस्से में तिरछी फिट रहती थी। दोनों के मुंह में हमेशा पान की गिलोरिया रहती थी जिससे उनके होठ सुर्ख रहते। ये था पाकिस्तान के जासूस नुसरत तुगलक का हुलिया। और बातें आप खुद ही सुन ले। इस वक्त वे राजनगर के प्रसिद्ध होटल डिगारिया के हॉल में एक कोने वाली सीट पर बैठे हैं। आमने सामने बीच में मेज है। मेज पर दोनों की कोहनियां टिकी हुई है। दोनों हाथ से उन्होंने अपने अपने गाल ढक रखे। वे मेज पर झुके हुए हैं, इस हद तक कि मेज के ऊपर दोनों के सिर मिले हुए हैं। भाई तुगलक, नुसरत का गंभीर राजा। हाँ नुसरत बहन, तुगलक उसका ज्यादा सीरियस था। क्या तुम्हें इस बात में शक है कि हम पाकिस्तान की नाक है?
तुम हमेशा गलत बोलते हो। हम दो हैं, किसी भी जानवर की दो नाक नहीं हुआ करती। अतः हम पाकिस्तान के आंख या कान तो हो सकते हैं, लेकिन नाक नहीं। क्या तुम्हें इस बात में भी शक है कि हम दुनिया के सबसे महान जासूस हैं? जब वो छिपटी का जिंदा था तो लोगों को इस बारे में शक था, तुगलक ने कहा, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं रही है और ये बात इसी से जाहिर है। किसी को नहीं मालूम, मगर हम जानते हैं कि बॉन्ड कहाँ है। धीरे बोल धीरे, वेटर आ रहा है। क्या ला रहा है? बिना वेटर की ओर देखे तुगलक ने पूछा। कुछ नहीं। फिर क्यों आ रहा है? इससे पहले कि नुसरत कोई जवाब देता, वो वेटर वहां पहुंच गया। उसने पानी के दो गिलास मेज पर रखे और सम्मानित स्वर में बोला, ऑर्डर प्लीज। अभी वेटर का छोटा सा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि नुसरत ने झट उसकी तरफ पलटकर होठों पर उंगली रख ली। वेटर को चुप रहने के लिए संकेत था। सक पकाया सा वेटर भांड सा मुंह खोले खड़ा रह गया, जबकि नुसरत की दृष्टि हॉल की एक एक सीट पर इस तरफ फिसल रही थी जैसे अपनी बीवी के साथ बैठा कोई मनचला किसी कॉल गर्ल को ढूंढ रहा हो। फिर आंख के संकेत से तुगलक ने वेटर को मेज पर झुकने के लिए कहा। अजीब असमंजस में फंसा वेटर झुक गया। उसे उम्मीद ये थी कि तुगलक कुछ कहेगा, जबकि उसके दाएं कान में नुसरत बड़े ही रहस्यमय स्वर में फुसफुसाया, हम दुनिया के सबसे महान जासूस हैं। खोपड़ी झन्ना गई वेटर की। वो अभी कुछ कहना ही चाहता था कि सी 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 तुगलक ने होठों पर उंगली रखी, फिर अत्यंत रहस्यमय और धीमे स्वर में फुसफुसाया, बोलो मत, किसी से कहना भी मत, वरना, कहकर तुगलक पलटा और नुसरत की ओर देखता हुआ बोला, वरना क्या हो जाएगा नुसरत बान? ये जितने लोग हॉल में बैठे हैं ना, दाएं हाथ की उंगली सारे हॉल में घुमाते हुए नुसरत ने गंभीर स्वर में कहा, सबके पिसाब निकल जाएंगे, कोई बाथरूम नहीं जाएगा, हॉल में ही कर देंगे, और फिर तुम्हें हॉल के फर्श से इन सब का पिसाब साफ करना पड़ेगा। बात तुगलक ने पूरी की, वो वेटर की खोपड़ी उलट गई। भौचक्का सा वो उन दोनों के चेहरे को देखता रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आज किस किस्म के आदमियों के चक्कर में आ गया है। जो पूछना है हमारी तरह धीमी आवाज में पूछो, ए वेटर, उसने सचमुच उन्हीं के समान फुसफुसा कर पूछा, आपके लिए क्या लाऊं? हाँ नुसरत भाई, क्या खाओगे? तुगलक ने नुसरत से फुसफुसा कर पूछा। तुम क्या पियोगे बहन? उसी अंदाज में उल्टा प्रश्न, कुछ नहीं। क्यों? हम दुनिया के सबसे महान जासूस हैं, ये तो हम वेटर को भी बता चुके हैं, तुगलक ने कहा, क्योंकि हम जासूस हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े जासूस हैं। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुजरिम या हमसे जलने वाला जासूस हमारी खाने के चीजों में जहर मिला दे। बात तो ठीक है, लेकिन वेटर किसी को ऐसी गुस्ताखी नहीं करने देगा। क्या भरोसा? तुगलक ने कहा, यही किसी दुश्मन देश का जासूस हो। हाँ, हो सकता है। फिर क्या करें? इसी से पूछ लेते। क्यों भाई? नुसरत ने वेटर से पूछा, तुम किसी दुश्मन मुल्क के जासूस तो नहीं हो? वेटर बुरी तरह बोर हो चुका था, बोला, नहीं, आप ऑर्डर तो दीजिए, धीरे धीरे बोलो। उसकी आवाज कुछ तेज थी, इसलिए नुसरत बुदबुदा उठा, तुम तो सारा गुड़गोबर करोगे, ए लो 10 का नोट रखो, लेकिन धीरे बोलो। वेटर ने 10 का नोट ले तो लिया, मगर अपने दिमाग के दिवालियापन के रूप में उसे इस नोट को पूरी कीमत अदा करनी पड़ी। उनके सिर से सिर मिलाकर उसे भी उन्हीं के समान फुसफुसाना पड़ा। इतनी मेहनत के बाद उसे 2 चाय का ऑर्डर मिला था। उनके मेज पर चाय रखकर वेटर ऐसा फटा कि जैसे वहां अभी आया ही नहीं हो। पान नुसरत के जबड़े के पीछे छुपा लिया और बोला, अब क्या ख्याल है तुगलक भाई,
किस बारे में नुसरत बहन? उसने भी उसी ढंग से चुस्की लेते हुए कहा, वही बॉन्ड का चक्कर। चीप का आदेश तो मानना ही होगा, लेकिन हम बहुत बड़े लपड़े में फंस सकते हैं। लपड़े में फंसने से तू डरता होगा, मैं नहीं डरता, तुगलक बोला। जब दुनिया में साला हमसे महान जासूस कोई है हो ही नहीं, तो हम डर क्यों और किससे डरे? यानी चले? बिल्कुल चलो। फिर वे दोनों कपों में से चाय छोड़कर उठ खड़े हुए। वेटर एक पर्दे के पीछे खुद को इसलिए छुपाए रहा कि कहीं उनकी नजर उस पर ना पड़ जाए। उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे बाहर ना निकल गए। जेम्स बॉन्ड सारे शहर में खंडहर में घूम लिया था। उसकी भौगोलिक स्थिति का भलीभांति ज्ञान करने के बाद वो एक ऐसी उसी खंडहर के कोठरी में दीवार से पीठ टिकाए फर्श पर बैठ गया था, जिसकी हालत अन्य कोठरी, दलान और हौलों से बेहतर थी। उसकी आंखें बंद थी। कदाचित वो ये सोच रहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में उसे अब आगे क्या कदम उठाना है। वो सोच रहा था कि निश्चित समय पर वो होटल लवलेन के उसी केबिन में विकास से मिलेगा। उसने सोच लिया था कि उससे बातचीत करने के पश्चात ही वो अपना अगला कदम निर्धारित करेगा। तब तक उसने आराम करने का निश्चय किया था। अभी वो आराम से 10 मिनट भी नहीं बैठ पाया था कि आका के पांव लगे। नुसरत की आवाज। फटाक से बॉन्ड की आंखें खुल गई। कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे पर खड़े नमूनों को देखते ही वो एकदम सतर्क हुआ और उछल कर खड़ा हो गया। भाई तुगलक? हाँ वहां नुसरत, ये अपने आका के पैरों में क्या स्प्रिंग लगा है जो इस तरह उछल कर खड़े हो गए? क्यों आका जान? नुसरत ने बॉन्ड से पूछा, क्या जवाब है इस मूर्ख की बात का? सतर्क स्वर में बॉन्ड गुर्राया, तुम यहां कैसे पहुंच गए? आका तो हमसे खपा लगता है नुसरत बहन, तुगलक ने नुसरत से कहा। नुसरत बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बेटे कि इस तरह मत जाओ, आका नाराज होंगे। लेकिन यार, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुगलक ने नुसरत से ही कहा, इनकी मोहब्बत हमें यहां खींच लाई, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। अबे क्या खाक काम का था उस दिन तो? बॉन्ड गुर्रा उठा, बको मत, जवाब दो, यहां कैसे पहुंच गए तू? लो, तुगलक ने कहा, आका नाराज हो गए, अब बता जल्दी टैक्सी से। बॉन्ड से पहले ही तुगलक नुसरत से बोला, अबे आका जान का मतलब यह है कि हमें ये कैसे पता लगा कि यहां विराजमान है? अबे चलिए, मतलब नहीं था, यही था। तुगलक ने बॉन्ड से पूछ लिया, क्यों आका, ये चिमटे की औलाद ठीक काटा है क्या? हाँ, लाल लाल आंखों से बॉन्ड ने घूरता हुआ बोला। ले बेटे ले, नुसरत बोला, अब बोल। इतनी दूर से क्यों बोलू, जरा पास आकर बताऊं तो आका को? कहने के साथ ही तुगलक ने एक जोरदार ठुमका लगाया और फिर जो बॉन्ड की तरफ बढ़ा तो किसी भी अच्छी कैबरे डांसर से बुरा कैबरे नहीं कर रहा था। वो कैबरे की सभी अदाएं दिखाता हुआ वो बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दरवाजे पर खड़े नुसरत ने बॉन्ड से कहा, देख रहे हो आका जान, देख रहे हो इस जामुन की औलाद की भौंडी चाल? देखो मुझे, देखो मेरी चाल कितनी हसीन है। और फिर नुसरत इस तरह कैबरा करता हुआ बॉन्ड की तरफ बढ़ने लगा जैसे कैबरे डांसर जल्दी जल्दी अपना आखिरी राउंड पूरा कर रही हो। जेम्स बॉन्ड की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जबकि वो दोनों कमरे में कैबरा कर रहे थे। जेम्स बॉन्ड महसूस कर रहा था कि कैबरा करते वक्त भी वे इस बात का ध्यान रखे हुए कि कहीं उन्हें डॉज देकर कोठरी से निकल ना जाए। फिर उसके ठोक ठीक सामने हुए कैबरे के दो भिन्न पोजों में स्थिर हो गए। अपने पोज में स्थिर तुगलक ने कहा, हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई सरकार। क्या? उस छपटी
वाले का काम तुमने अकेले अकेले कर लिया, तुगलक कहा, और हमें पूछा तक नहीं। बको मत, बॉन्ड गुर्राया, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। चल वे, तुगलक ने नुसरत से गुर्रा कर कहा, हुजूर के सवाल का जवाब दे। सरकार, नुसरत ने बॉन्ड से कहा, आप इस चोटी वाले की जुबान बंद क्यों नहीं करते? मैं तुम दोनों की जुबान काट कर फेंक दूंगा, बॉन्ड दहाड़ा। मेरी भी, नुसरत एकदम बोला, मगर मेरी क्यों सरकार, मैंने क्या कहा? बोलते क्यों नहीं तुम, यहां कैसे पहुंचे? हमारे चीफ ने हमें ट्रांसमीटर पर ऑर्डर दिया था कि हम आपकी मदद करें। चौंक पड़ा बॉन्ड, बोला, क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि उनसे आपके चीफ मिस्टर एम ने ट्रांसमीटर पर बातें की। नुसरत कहता ही चला गया, उन्हें आपको यहां से लंदन तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद चाहिए, बदले में आपका देश हमारे पाक देश को अनुपम बनाने में मदद देगा। हमारे चीफ ने कहा है कि आपको भारत से निकालकर हमें भी फौरन अपने प्यारे पाकिस्तान पहुंच जाना है। ओह, इसलिए कि छिपटी वाले को आपने मारा है, अतः आपके गुर्गे होने कारण फंस हम भी सकते हैं। बको मत, जेम्स बॉन्ड दहाड़ उठा, मैंने विकास की हत्या नहीं की, मैंने विकास को नहीं मारा, माफ करना सरकार, तुगलक का उठा, हम दाई हैं और दाई से पेट नहीं छुपाया जाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बॉन्ड की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बोला, किन्हीं कारणों से मुझ पर झूठा इल्जाम लग गया है, जब तक मैं अपने माथे पर लगा कलंक का यह टीका नहीं धो लूंगा तब तक लंदन नहीं जाऊंगा। ले बेटा, मैंने क्या कहा था, नुसरत ने तुगलक से कहा, तू चुप रहवे, दो समझदार आदमियों के बीच में गुल्ली डंडा मत खेल, तुगलक ने नुसरत को झाड़ कर बॉन्ड से कहा। तो बात यह है सरकार कि हमें इस बात की भी पूरी हिस्ट्री मालूम है कि अपने चीफ से अपने लंदन जाने से इनकार कर दिया है, तभी तो उन्होंने हमारे चीफ से बात की और कहा कि चाहे जैसे भी हो महान जासूसों को ये काम करना ही है, हमें सख्ती और जबरदस्ती करने के आदेश भी है। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहां हूं? आपके चीफ ने हमारे चीफ को और हमारे चीफ ने हमें बताया। बॉन्ड के दिमाग में अब सारी स्थिति साफ हो गई थी। नुसरत तुगरक को घूरता हुआ वो गुर्राया, तो तुम मेरे साथ सख्ती और जबरदस्ती भी कर सकते हो? सीने पर हाथ रखकर किसी अर्दली के समान झुक कर तुगलक ने कहा, आपके सेवक है सरकार, आपकी खिदमत में उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। अबे ओ, अचानक नुसरत तुगलक पर चार दौड़ा, जुवान को लगाम दे वरना चमटे से पकड़कर वो वहीं रख दूंगा जहां से निकला था। जानता नहीं कौन है ये, यह हमारे आका है, इनका नाम जेम्स बॉन्ड है, इनसे मत अकड़, इन्होंने बड़ों बड़ों के बैंड बजा रखे हैं। देखो हुजूर, नुसरत की ओर संकेत करके तुगलक ने बॉन्ड से कहा, इस साले जामुन की औलाद की जुबान बंद कर लो, वरना तुम्हारी कसम मैं साले को पेड़ पर लटका दूंगा। बॉन्ड हल्के से मुस्कुराया, बोला, जुबान बंद करने की जरूरत तुम्हें? और बोल बेटे, तुगलक ने कहा, साले सरकार तेरा कचुमर बना देंगे, तू ही क्या बचा रहेगा? अरे छोड़, लापरवाही के से अंदाज में तुगलक हाथ झाड़ता हुआ बोला, ये तो बॉन्ड है, मैं चाहूं तो जब इसका बैंड बजा दूं। तुगलक उसे शेर का नाम है जिसका कचुमर निकालने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। क्यों बॉन्ड गुरु, इस उल्लू के पट्टे को समझाते क्यों नहीं? उसी सन झुंझलाए हुए जेम्स बॉन्ड ने अपनी पूरी फुर्ती से जंप लगाकर न केवल तुगलक को दबोच लिया बल्कि दंदनाए एक घूसा मारकर उसे दूर उछाल दिया। मारो सरकार और मारो सालिक, नुसरत उछल उछल कर तालियां बजाने लगा। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है साला, अब लड़ बेटे, अब लड़ गुरु से। तभी बॉन्ड के बूट की ठोकर ने उसे उछाल दिया। क्यों, तुगलक उठा, उस्ताद की एक ही ठोकर में नजर आ गए तारे। मगर बिजली की सी गति से चलता हुआ बॉन्ड का हाथ तुगलक की कनपट्टी पर लगा।
जब तक अपने आस्थान से उड़ता हुआ नुसरत कह रहा था, गुरु मेरी क्या गलती है, तो मुझे क्यों मार। पुनः बॉन्ड की ठोकर ने उसे उछाल दिया। अपने आस्थान पर पड़ा तुगलक चिल्लाया, नुसरत वाहन। हाँ तुगलक भाई, उससे काफी दूर पड़ा था नुसरत। यार गुरु तो वाकई हम दोनों को धोने लगे, तभी तो कहता था चटनी के, गुरु से मत लग, सरकार बड़ी बुत्ती चीज है, जिंदा रहना चाहता है तो चल उठ, अभी खड़ा हो जा, हुजूर के पैरों में गिरकर माफी मांग ले। मैं तो तैयार हूं, तुगलक उठता हुआ बोला। अब तैयारी को क्या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाना है, नुसरत गुर्राया। आगे बढ़ और माफी मांगने के वहाने दोनों टांगे खींच ले उस्ताद की। सचमुच बॉन्ड की तरफ बढ़ा तुगलक, जबकि अपने स्थान पर खड़ा नुसरत बॉन्ड से कह रहा था, साला माफी मांग रहा है हुजूर, इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है, माफ कर दो। बॉन्ड अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों नमूने से लगने वाले कितने खतरनाक है। वो ये भी जानता था कि अगर उन्हें एक बार मौका मिल गया तो फिर वो इसे संभालने का अवसर नहीं देंगे। तुगलक के समीप पहुंचने से पहले ही बॉन्ड ने झपट कर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। एकदम ठिठक गया तुगलक, बोला, नुसरत बहन, सरकार ने तो रिवॉल्वर निकाल लिया, ये फाउल है हुजूर, रिवॉल्वर की जरूरत कब थी। नुसरत का उठा, तुम दोनों पीछे हट जाओ वरना एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बॉन्ड गुर्राया, गलत बात कही सरकार, आगे बढ़ते हुए नुसरत ने कहा, एक साथ हम दोनों से तो नहीं निपट सकते, हम मिल गए तो तुम्हारी चटनी बना देंगे, क्यों तुगलक, अजी खाक तुगलक। हाथ छटक कर एकदम पीछे हटता हुआ तुगलक बोला, मैं तुम्हारे बीच में क्यों आऊं, जब मेरी लड़ाई होती है तो तू क्या बोलता है मेरी तरफ से, मारो सरकार, साले को गोली मार दो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा, नुसरत ने तुगलक की तरफ आंखें निकाली, तू साले मुझे नहीं बचाएगा, हरगिज नहीं मुर्गे की, सरकार की जरूरत तो बाद में ही पड़ेगी, कोर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए नुसरत ने कहा, पहले मैं ही तेरी चटनी बना दूंगा, बोल मेरे साथ गुरु से लड़ेगा या नहीं। गुरु इतनी देर क्यों कर रहे हो, साले को गोली मार दो वरना ये कोई गड़बड़ कर था है। मात खा गया जेम्स बॉन्ड। उस एक क्षण के लिए बॉन्ड का ध्यान तुगलक की तरफ था, जबकि आस्तीन चढ़ाते हुए नुसरत ने उसी क्षण में आस्तीन के अंदर से न सिर्फ रिवॉल्वर निकाला बल्कि फायर भी झोंक दिया, लेकिन अचूक निशाना, गोली फटाक से जेम्स बॉन्ड के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर लगी। बॉन्ड के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा, उसका हाथ झन्ना उठा था, जबकि तुगलक चिल्लाकर नुसरत से कह रहा था, अरे क्या कर रहा है रायते की औलाद, सरकार रिवॉल्वर से नहीं डरती। तभी फर्श पर पड़े रिवॉल्वर पर जंप लगाई बॉन्ड ने, जबकि थाए अगले ही पल गोली की एक और आवाज दहल उठी। उसके रिवॉल्वर पर पहुंचने से पहले ही नुसरत ने फर्श पर पड़े रिवॉल्वर में गोली मारी, रिवॉल्वर दूर जा गिरा, जबकि बॉन्ड मुंह के बल खाली फर्श पर गिरा था। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि तुगलक ने बिजली की सी गति से झपट कर उसे दबोच लिया। उसके ऊपर लेटा वो नुसरत से कह रहा था, चला गोली उल्लू के पट्टे, चला, गुरु को नहीं मरने दूंगा, मैं गुरु के ऊपर लेटा हूं, इन्हें मारने से पहले तुझे एक गोली मेरे सीने में भी उतारनी होगी। एक तीव्र झटके के साथ बॉन्ड ने तुगलक को अपने ऊपर से उछाल दिया। बस गुरु, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बॉन्ड के संभालने से पहले ही आगे बढ़कर नुसरत ने रिवॉल्वर का दस्ता पूरी ताकत से उसके जबड़े पर मारते हुए कहा, मेरे यार को तुमने अपने ऊपर क्यों उछाला। बॉन्ड के मुंह से खून बहने लगा था, वो दूर जा गिरा। उसके संभालने से पहले ही तुगलक ने उसे दबोचा और नुसरत से बोला, तू बीच में मत आ नुसरत, ये मेरा और सरकार का मामला है, मैं शेर हूं और किसी गीदड़ का मारा हुआ शिकार नहीं खा सकता। इस तरह उठपटांग बात करते हुए इन खतरनाक नमूने सरीखे जासूसों ने
एक बार हावी होने के बाद बॉन्ड को इतना अवसर नहीं दिया कि उन्हें संभाल सके। जहां वे अपने पतले जिस्म के बावजूद वला की ताकत रखते थे, वहीं लड़ने की हर कला में निपुण थे। वैसे भी आपस की उठपटांग वार्ता के जरिए वे अपने दुश्मन के मस्तिष्क में इतना मानसिक तनाव उत्पन्न कर देते थे कि कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रहता था। अंत में जब तुगलक ने घूसा मारकर उसे उछाला तो दीवार से टकराकर वो फर्श पर गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठ सका। हुजूर तो बेहोश हो गए तुगलक खान, तुगलक बोला, कंधे पर डालो और ले चलो इन्हें। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जिस वक्त अशरफ, विक्रम, नाहर, परवेज और आशा होटल डिगारिया के काउंटरमैन को नुसरत तुगलक का अजीब सा हुलिया बताकर उनके बारे में पूछ रहे थे, वो वेटर भी जिसने उन्हें सर्व किया था समीप ही खड़ा था। उसने बता दिया कि उसी ने उन दोनों को सर्व किया था। पांचों के अलग अलग प्रश्नों के जवाब में वेटर ने वो सारी घटना बता दी जो उसके साथ घटी थी। सुनकर जहां अशरफ, विक्रम, नाहर और परवेज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, वहीं आशा मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रुकने का प्रयास करने लगी। होटल के बाहर ही टैक्सी स्टैंड था। टैक्सी वाले वहां से नंबर से जाते थे। उन्होंने वहां खड़ी टैक्सियों के ड्राइवरों से पूछताछ की तो ड्राइवर बोला जिसका अब जाने का नंबर था, अभी थोड़ी देर पहले बालक राम की टैक्सी में ही तो गए हैं वे लोग। अशरफ ने पूछा, कौन बालक राम? उसका नंबर मुझसे पहले का था, ड्राइवर ने बताया। बलराम की टैक्सी का नंबर भी उन्होंने आसानी से ज्ञात हो गया। वो पुना डिगारिया के काउंटर पर आए और अशरफ ने पुलिस डीएसपी से संबंध स्थापित करके कहा, मैं ठाकुर साहब का लड़के विजय का दोस्त बोल रहा हूँ। जी कहिए। टैक्सी नंबर 5268 जहाँ भी मिले उसे रोक लिया जाए, अशरफ ने कहा। हम कई जासूस होटल डिगारिया में बैठे हैं, ये काम जितनी जल्दी हो जाए करके हमें सूचना दी जाए। उस टैक्सी ड्राइवर के जरिए बॉन्ड का पता मिलने की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? डीएसपी ने पूछा। अशरफ ने अपना नाम बता दिया। डीएसपी ने यह कहकर संबंध विच्छेद कर दिया कि वो कोशिश कर रहा है। और इसके बाद डिगारिया के हॉल में ही बैठकर वे फोन की प्रतीक्षा करने लगे। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 38वीं एपिसोड स्टोरी विद अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नॉवेल सीरीज बदला। इसी सीरीज की ये 38वीं एपिसोड थी। आपको बता दूं, इस सीरीज में आप लोग सुन रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा की लिखी विजय विकास सीरीज की उपन्यास मत रो माँ। अब इस नॉवेल का सीरीज की इसकी 39वीं एपिसोड, इस उपन्यास का लास्ट एपिसोड होगा, और इसके बाद इसी उपन्यास का दूसरा कड़ी लाखों है लाल तेरे, ये उपन्यास आप लोग इसी सीरीज में सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलिएगा सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन नोबेल सीरीज बदला। इस सीरीज की 39वीं एपिसोड में इस नोबेल का लास्ट एपिसोड सुनिएगा, और इसके बाद इस सीरीज के 40वें एपिसोड से सुनिएगा मत रो माँ, इस नोवेल का दूसरा भाग लाखों है लाल तेरे, इस उपन्यास की कथानक। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। आदरणीय श्रोता, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, और आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी जरूर करता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह, सुझाव, अपना ओपिनियन और फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी और दे दूँ कि कल रात 9 बजे से
प्राइम टाइम नॉवेल यानी कि रात्रि कालीन प्रस्तुति में फिर से सुनिएगा सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल सीरीज या फ्रेंड्स हत्या क्यू। इस नॉवेल सीरीज यानी कि मर्डर मिस्ट्री नॉवेल सीरीज में फिर से एक और नया उपन्यास आप लोग सुन सकेंगे कल रात 9 बजे प्राइम टाइम नॉवेल यानी कि रात्रि कालीन प्रस्तुति में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।